सेट नंबर जे इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसका सही सही आंसर आप लोगों को उपलब्ध होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन ए लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए ड्रामाटिजेशन, ऑप्शन बी स्टोरी टेलिंग, ऑप्शन सी फन एक्टिविटीज, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक लर्निंग क्लास में जो मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसमें ड्रामा के थ्रू भी आप स्टूडेंट को पढ़ाइएगा तो उन्हें ज़्यादा बेटर लगेगा। स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो अ बेटर आइडिया, और फन एक्टिविटीज़ भी एक बेटर आइडिया है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, माई मोबाइल ब्लैंक स्पेस सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर इट। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सी हैड रंग, माई मोबाइल हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 53 है, आई सा ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कॉज क्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन ए है ग्रुप, ऑप्शन बी है हट, ऑप्शन सी है स्वार, ऑप्शन डी है फ्लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हट, क्योंकि हर्ड ऑफ कॉज होता है और फ्लॉक्स ऑफ शीप होता है, याद रखिएगा हमेशा, गायों का झुंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच इज नॉट अ पोएट्री फॉर्म, एपिक, ऑप्शन ए है एपिक, ऑप्शन बी है बैलेड, ऑप्शन सी है फिक्शन, ऑप्शन डी है सोनेट। तो एपिक इज ऑल्सो ए पोएट्री फॉर्म, बैलेड इज ऑल्सो ए पोएट्री फॉर्म, सोनेट इज ऑल्सो ए पोएट्री फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स। सो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, फिक्शन इज नॉट अ पोएट्री फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 55 है, द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस बाई हिम द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस बाई हिम इन द स्पीच वेयर ऑडियस, द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ ऑडियस इज, ऑप्शन नंबर ए है इसका सिग्निफिकेंट, ऑप्शन बी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑप्शन सी एडमायरेबल, ऑप्शन डी कॉमन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिज मदर खालिस्तान वेन ही वॉज जस्ट अ किड, ऑप्शन ए है इसका पास्ड ओवर, ऑप्शन बी है पास्ड ऑन, ऑप्शन सी है पास्ड अवे, ऑप्शन डी है पास्ड फॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पास्ड अवे, हिज मदर पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट अ किड। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक कुली, ऑप्शन ए है राजा राव, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद ने कुली फिल्म में कुली किताब लिखी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 है, ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज एज पीपल इज, ऑप्शन ए है एलेगरी, ऑप्शन बी है फेबल, ऑप्शन सी है लेजेंड, ऑप्शन डी है पैराबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एलेगरी। क्वेश्चन नंबर 59, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज कंट्री, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज, ऑप्शन ए है पेट्रियट, ऑप्शन बी नेशनलिस्ट, ऑप्शन सी कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोपॉलिटन। क्वेश्चन नंबर 60 अब हम लोग देखते हैं, इट इज टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स होम, और इसका ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी हैव गॉन, ऑप्शन सी है वेंट, ऑप्शन डी है आर गोइंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, इट इज टाइम यू वेंट होम, इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अब हम लोग, ए ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इट सेल्फ इज, ऑप्शन ए है ट्रिपलेट, ऑप्शन बी ट्रायोलॉजी, ऑप्शन सी ट्रिवेट, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 62, वी मस्ट प्रिवेंट इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल स्पेशीज फ्रॉम बिकमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ, वी मस्ट प्रिवेंट इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल स्पेशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन ऑर्डर डेट आवर फ्यूचर जनरेशन में इंजॉय द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। इसका सही आंसर होगा वो होगा डी एक्सटिंक्ट एंड इंजॉय। क्वेश्चन नंबर 63 है,
fill in the blanks. It stopped raining when we started our journey. तो उसका ऑप्शन ए है एज सून एज, ऑप्शन बी हार्डली हैड, ऑप्शन सी नो सूनर डिड, ऑप्शन डी नेवरदलेस. तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी हम लोग देखेंगे कि वेन लगा है तो हम लोग एकदम बिना कुछ सोचे हार्डली का इस्तेमाल करते हैं. तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हार्डली हैड, इट इज स्टॉप रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड अवर जर्नी. क्वेश्चन नंबर 64, ही इज द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु वेट्स रेड टेप. द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ रेड टेप इज, इसका ऑप्शन ए है एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ऑप्शन बी है फॉर्मल प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी है करप्शन, ऑप्शन डी है डिसऑनेस्टी. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल प्रोसीजर्स. क्वेश्चन नंबर 65 है, द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस वुमेन्स माइट फिल इन द ब्लैंक्स एंड ही आस्क्ड हिज सूथसेयर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स देम. तो ऑप्शन नंबर ए है इम्प्लाई इलस्ट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेंट इंटरप्रेट, ऑप्शन सी है प्रोपॉन्ड एक्सप्लेन, ऑप्शन डी है मीन क्लोज. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंट इंटरप्रेट. क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू. ऑप्शन ए है इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी है लैंग्वेज इंग्लिश इज लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, ये भी सही है. ऑप्शन सी है इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज, ये बिल्कुल रॉन्ग है. तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 67 है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए है सिमाइल, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी कॉन्सीट, ऑप्शन डी मेटोनिमी. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेटोनिमी. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं. ये सेंटेंस सीक्वेंस है, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस फ्रेज इन ए सेंटेंस शुड बी द नीड्स. एक नंबर में है द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, दो नंबर में है इज जस्ट बाय इट्स थीम, तीन नंबर में है द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, चार नंबर में है एंड इट्स रिलेशन टू. तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, यानी तीन नंबर पहले होगा द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म इज जस्ट बाय इट्स थीम एंड इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 3, 2, 4, 1. आइए क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमिक सिग्निफाई. ऑप्शन ए है आर्चिव, ऑप्शन बी है स्कॉलरशिप, ऑप्शन सी है मोरालिटी, ऑप्शन डी है नॉलेज. तो एपिस्टेमिक का होगा ऑप्शन नंबर डी नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द टू बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन देम, द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिनिटी इज. तो ऑप्शन नंबर ए है सिंपैथी, ऑप्शन बी एंटीपैथी, ऑप्शन सी एम्पैथी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीपैथी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग अब. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए है आई सा स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ऑप्शन बी है आई गॉट अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ऑप्शन सी है आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ऑप्शन डी है आई फेस्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट. क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. ऑप्शन ए हॉरिबल, ऑप्शन बी एफिशिएंट, ऑप्शन डी इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन डी कस्टम. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एफिशिएंट. एफिशिएंट में EFFICIENT होता है. क्वेश्चन नंबर 73, माई फ्रेंड स्पीक्स फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंच, सो वी वेयर एबल टू फाइंड अ नाइस रूम इन पेरिस. उसका ऑप्शन ए है एफ यू, बी है द फ्यू, सी है ए लिटिल, डी है द लिटिल. तो माई फ्रेंड स्पीक्स अ लिटिल फ्रेंच होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 74, पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ. ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन, ऑप्शन बी है लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी है केयरिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है टीचिंग मेथड्स. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी टीचिंग मेथड्स. पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स.
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। रीडिंग बुक इज, पहला नंबर में है इज ए हैबिट, दूसरा नंबर में है बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, तीसरा नंबर में है बिकॉज इट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज, चौथा नंबर में है वी मस्ट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा कि रीडिंग बुक इज ए हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 1, 4, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 76, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। द कस्टमर हैंडेड ओवर, पहला पार्ट में है, उसके बाद है 100 रुपीज़ नोट, फिर है उसके बाद टू द शॉपकीपर। तो इसमें जो एरर है वो एरर है दूसरे नंबर में, 100 रुपीज़ नोट नहीं है, ओके, ये 100 रुपी नोट होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज फिल इन द ब्लैंक्स इज स्ट्रेंज बिहेवियर। ऑप्शन ए है ओवर, ऑप्शन बी है बाई, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है एट। तो इसका जो सही प्रीपोजिशन होगा सरप्राइज्ड एट, आई वॉज सरप्राइज एट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी एट। क्वेश्चन नंबर 78, यू कैन नॉट डिवाइज ए मेथड विच फिल इन द ब्लैंक्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऐसे, ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए है इग्नोर्स, ऑप्शन बी है वॉइड्स, ऑप्शन सी है एक्सक्लूड्स, ऑप्शन डी है इंक्लूड्स। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यू कैन नॉट डिवाइज अ मेथड विच एक्सक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी, एक्सक्लूड्स, नॉट इंक्लूड्स और नॉट अवॉइड्स, इट शुड बी एक्सक्लूड्स। 78 का सी एक्सक्लूड्स। बी अवॉइड्स, यू कैन नॉट डिवाइज अ मेथड विच अवॉइड्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ ए स्टॉर्म इन अ टी कप इज, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इसका ऑप्शन ए है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऑप्शन बी है ए डेंजरस सिग्नल, ऑप्शन सी है ग्रेट नॉइज, ऑप्शन डी है बस मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विच मस्ट एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, मतलब कुछ छोटी सी जीत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, इट्स कॉल्ड स्टॉर्म इन अ टी कप। क्वेश्चन नंबर 80 है। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज, ऑप्शन ए है सेमांटिक्स, ऑप्शन बी फोनेटिक्स, ऑप्शन सी सिंटैक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सेमांटिक्स। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन ही, पहला है डिड नॉट नो, दूसरा है ही वाज नर्वस एंड, तीसरा है हर्ड द हु एंड क्राई एट मिडनाइट, और चौथा है व्हाट टू डू। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा, व्हेन ही heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दीज डेज, द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑन द वेन इज। ऑप्शन ए है डिक्लाइनिंग, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी है फ्लोरिशिंग, ऑप्शन डी है स्प्रेडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिक्लाइनिंग, यानी घट रहा था, ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेज, यानी डिसिप्लिन जो है स्कूल और कॉलेज में घट रहे हैं आज के दिनों में, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिक्लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 83, वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड ए। ऑप्शन ए है मिसोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी फिलोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन डी फिलोजिनिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मिसोलॉजिस्ट, 83 का ए। क्वेश्चन नंबर 84, द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर इज अ। ऑप्शन ए नोवल, ऑप्शन बी शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन सी पोएम, ऑप्शन डी ड्रामा। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसने जो शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था वो एक ड्रामा था, तो इट्स अ ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 85, ए सैड सॉन्ग इज। ऑप्शन ए है डर्ज, ऑप्शन बी डीटी, ऑप्शन सी हिम, ऑप्शन डी एंथम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डर्ज, सैड सॉन्ग क्या कहलाता है, डर्ज। 86,
One who believes in the power of fate is option A fatalist, option D optimist, option C pessimist, option D theist. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फैटलिस्ट. वन हू बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज कॉल्ड फैटलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 87. इफ ए स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड देन एज अ टीचर यू शुड. ऑप्शन ए है टेल द स्टूडेंट दैट द टास्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये गलत है. ऑप्शन बी इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये भी आप नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन सी है प्रमोट रोट लर्निंग. ऑप्शन डी है गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प हिम लर्न द टास्क. तो थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इफ ए स्टूडेंट इज अनएबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड देन एज ए टीचर यू शुड. तो देखिए अगर आप किसी स्टूडेंट को एकदम एक स्पेसिफिक मेथड से भी अगर आप समझा रहे हैं और उसको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के भी कोई फायदा उसको होने वाला नहीं है. और आप कितना बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे. तो इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रमोट रोट लर्निंग. रोट लर्निंग होता है इट्स समथिंग रिलेटेड टू मेमोराइजेशन. तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब हम लोग देख लेते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम लोग उसको रोट लर्निंग के बारे में रोट लर्निंग कराते हैं यानी कि उसको मेमोराइज कराते हैं. और फिर उसके बाद जो है जब वो एक बार मेमोराइज कर लेता है तब उसको कुछ कंसेप्ट उसका क्लियर होता है तो उसके बाद हम लोग फिर उस पर उसके उससे फिर हम लोग उसको फिर से नया चीज़ देते हैं ताकि और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर चीज़ को समझा है या नहीं. तो इसका जो मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा प्रमोट रोट लर्निंग. और क्वेश्चन नंबर 88 द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स इज. ऑप्शन ए मिसोगामी, ऑप्शन बी मोनोगामी, ऑप्शन सी बायोगामी, ऑप्शन डी पॉलीगामी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीगामी. हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर. तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था तो इसका तो ऑप्शन सी है पीजे अब्दुल कलाम. क्वेश्चन नंबर 90 आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स. द एक्सेप्टेबल मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल इज. ऑप्शन ए है विथ ऑल देयर माइट, ऑप्शन बी है विदाउट एनी रीजन, ऑप्शन सी है वेरी क्वाडली, ऑप्शन डी है फेयरफुल्ली. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विथ ऑल देयर माइट. मतलब अपने पूरे ताकत के साथ, मतलब अपने पूरे जोश खरोश जिसको हम लोग कह सकते हैं पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ. क्वेश्चन नंबर 91 वन हु इज इम्पेशियस इज. तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी इम्पल्सिव. क्वेश्चन नंबर 92 द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज. ऑप्शन ए है पर्सनल एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी है सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो बहुत कुछ लोग जो बता रहे हैं इसका आंसर वो सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस बता रहे हैं. हालांकि मुझे लगता है कि आंसर गलत है क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस से पढ़ लिख कर ही आए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें भी जो है सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो है वो ऑलरेडी उनके अंदर होती है. तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. मतलब अपने अंतरात्मा में सुधार, अपने अपने मतलब एटीट्यूड में सुधार, समथिंग रिलेटेड टू एटीट्यूड वी कैन से. सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. 93 क्वेश्चन नंबर देखिए द टर्म इन्वेक्टिव इन लैंग्वेज रिफर्स टू. तो ये इन्वेंटिव इन्वेक्टिव लैंग्वेज होता है इंसल्टिंग और अब्यूजिव लैंग्वेज यानी ऑप्शन ए इंसल्टिंग अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज ए. क्वेश्चन नंबर 94 व्हेन डॉक्टर मारिया सेज योर फादर इज नो मोर इंस्टीड ऑफ योर फादर डाइट शी इज यूजिंग. ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी इफोमिस, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इफोमिस. Which of the following, question number 95, which of the following assumptions is incorrect in language teaching? Question option A है learner acquire knowledge by trying to use it in real situation. Option B है learner's first language plays an important role in learning. Option C है language teaching should have focus in communicative activities. Option D है writing rather than speech should be given importance in language teaching. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 96 द टर्म लेक्सिस रिफर्स टू.
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल वर्ड्स फॉर्म्स हैविंग मीनिंग एंड ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड लेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन अ राइटर अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब समथिंग सो दैट इट अपील्स टू अवर सेंस ऑफ स्मेल साइट टेस्ट टच ऑफ हियरिंग शी और ही यूजेस। इसका ऑप्शन ए है इमेजरी, ऑप्शन बी है पिक्चर एलिमेंट, ऑप्शन सी है डायरेक्ट स्टाइल, ऑप्शन डी है सेंसुअलिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 98, ही लुक्ड वेरी हैप्पी एंड फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोज्ड स्कीम वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द कमिटी। ही लुक्ड वेरी हैप्पी एंड इलेटेड व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोज्ड स्कीम वाज एक्सेप्टेड बाय द कमिटी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ द सेंटेंस इन ए पैराग्राफ शुड बी She decided to go to school and meet the principal. Suddenly, she realized that she had no money with her. By the time she reached there, she had left the office. And then, चौथा नंबर है, therefore, she decided to go to the office of her husband and get the money. और पांचवा पॉइंट है, सीमा wanted her son to get admission in a reputed school. तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा सीमा wanted her son to get admission in a reputed school. She decided to go to school and meet the principal. Suddenly, she realized that she had no money with her. Therefore, she decided to go to the office of her husband and get the money. By the time she reached there, he had left the office. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5, 5, 1, 2, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 100, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड एक्रोबैट। इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्रोबैट। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, आई डू माई वर्क फिल इन द ब्लैंक्स केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सो, ऑप्शन बी है वेरी, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है मोर। तो ये मतलब अगर मतलब पहले से पढ़ा हुआ चीज़ है ये, कि जैसे ही इज टू लेजी टू वर्क, इस तरीके के सेंटेंस में जब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कहीं पर भी टू आए तो उसमें टू का हम लोग उससे पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, मतलब मैं अपने काम को इतनी सावधानी पूर्वक करता हूं कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ऑप्शन ए है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, ऑप्शन बी है एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, ऑप्शन नंबर डी है मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए है फिगरेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन बी है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स ओनली, ऑप्शन सी है आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, ऑप्शन डी है लेजिबल हैंड राइटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन नंबर ए है एक्सेलरेशन, ACELERATION है, ऑप्शन बी है ACELARATION, ऑप्शन सी है ACEELERATION, ऑप्शन डी है ACELERATION। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन ACELERATION। ओ सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एक्सेलरेशन ACELERATION, कंफ्यूज हो गया। 104 का डी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 105 है, ए वर्ड गेट इट्स मीनिंग, ऑप्शन ए है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी फ्रॉम स्पेलिंग, ऑप्शन सी फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ऑप्शन डी फ्रॉम डिक्शनरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। 106 क्वेश्चन नंबर देखिए, द नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो ये तो हम लोग सब जानते हैं,
देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, हिज एल्डर ब्रदर गॉट फिल इन द ब्लैंक्स एज एन ऑफिसर इन अ रिप्यूटेड बैंक। ऑप्शन ए अपॉइंट्स, ऑप्शन बी अपॉइंटेड, ऑप्शन सी अपॉइंट्स, ऑप्शन डी अपॉइंटिंग। तो गॉट के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा अपॉइंटेड, हिज एल्डर ब्रदर गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन अ रिप्यूटेड बैंक। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, ए ह्यूमरस एंड फनी फनी पोएम ऑफ फाइव लाइनेज। देखिए पांच लाइनों की जो पोएम होती है वो लिमरिक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 109 देखिए, हु रोट ग्लीवर्स ट्रेवल्स। तो ग्लीवर ट्रेवल्स को जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 110 देखिए, द कार इन विच हिज फ्रेंड वॉज ट्रेवलिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हमेशा होता है मेट विथ एन एक्सीडेंट, किसी मतलब किसी दुर्घटना में किसी दुर्घटना का हो जाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेट, द कार इन विच हिज फ्रेंड वॉज ट्रेवलिंग मेट विथ एन एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर 111 है, हु बिलीव दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 112 देखिए, द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डेमोलिश। तो इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी होगा डेमोलिश का, बी बिल्ड। और क्वेश्चन नंबर 113, ही टॉक्स एज इफ ही खाली स्थान ल्यूनेटिक। तो ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है वाज, ऑप्शन डी है वेयर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेयर, ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ल्यूनेटिक। हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया भी था कि जो है आई विश आई वेयर ए किंग, इस तरीके का क्वेश्चन में हमेशा जो है वो वेयर का इस्तेमाल होता है। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ल्यूनेटिक, वो ऐसे बात करता है मानो वह बहुत बोलने वाला हो। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर अ ल्यूनेटिक। क्वेश्चन नंबर 114, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। ऑप्शन ए है द रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट, ऑप्शन बी है द लर्नर इज गिवन एन अवार्ड, ऑप्शन सी है द लर्नर गेट्स एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ऑप्शन डी है द लैंग्वेज इज टॉट इन द क्लासरूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द लर्नर गेट्स एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 115, हु लॉस्ट पैराडाइज इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी यानी एडम एंड ईव बोथ लॉस्ट पैराडाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 116, चूज द करेक्टली करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्हाई डिड शी गेट अप सो अर्ली। क्वेश्चन नंबर 117 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो वी ऑल नो दैट द जियोफ्री शॉशर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। 117 का सी। द टीचर इज, क्वेश्चन नंबर 118 है, द टीचर इज पॉपुलर फिल इन द ब्लैंक्स इज पीपल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरे हिसाब से ए होगा, एमंग द टीचर इज पॉपुलर एमंग हिज पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 119, ए सोनेट इज, तो ये तो हम लोगों ने सब पढ़ा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था उसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 14 लाइनों की जो पोएम होती है उसे हम लोग सोनेट कहते हैं, जिसमें प्रथम 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव और दूसरे 6 लाइन को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ए पोएम ऑफ 14 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 120, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग इज, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन। इसका भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ये भी आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें था पेशेंस का जो वो कंपेयर करता था मर्मराइजेशन से,
तो उसमें वो भी जो था फिगर ऑफ स्पीच वो था पर्सनिफिकेशन, तो वही यहाँ पर भी है, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग इज वी कॉल्ड इट्स पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एडवर्सिटी होगा, ऑप्शन नंबर डी ADVERSITY। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले, हैमलेट भी शेक्सपियर ने लिखा, ओथेलो भी शेक्सपियर ने लिखा, विंटर्स टेल भी शेक्सपियर ने लिखा, पिग्मालियन शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, ये पिग्मालियन लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पिग्मालियन। क्वेश्चन नंबर 123, द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, तो इसको हम लोग सिमिली कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, हु इज ऑफन कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम रिवॉल्व ऑन नेचर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विलियम विलियम शेक्सपियर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एक्सजरेटेड इन अ पोएम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैपरबोल। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड यू माइंड वर्किंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई दिक्कत है, इस तरीके से। तो कभी भी हम लोग इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे वुड यू वांट प्लेइंग विथ मी, वुड यू वांट गोइंग विथ मी, वुड यू वांट वर्किंग विथ मी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128 है, नो सूनर, तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग नो सूनर देख लें तो कुछ नहीं, आगे का सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग आंख बंद करें और ऑप्शन नंबर सी देन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, यूं ही हुआ, स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन ही देन द ट्रेन अराइव। क्वेश्चन नंबर 129, द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज इज, ऑप्शन ए है इनेबलिंग स्टूडेंट टू लिसन स्पीक रीड एंड राइट इंग्लिश, ये सही है, ऑप्शन बी इनेबलिंग स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड द थॉट, ये भी सही है, सोच को विकसित करने के लिए, सोच को और डेवलप करने के लिए, ऑप्शन सी है एनरिचिंग स्टूडेंट एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 130, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, इसमें क्या पूछ रहा है, क्रेडिबल का बेस्ट मतलब सिनोनिम्स, तो क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी बिलीवेबल। क्वेश्चन नंबर 131, द डॉग हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स बाय ए कार, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द डॉग हैज बीन रन ओवर बाय ए कार। क्वेश्चन 132 है, शी वाज फिल इन द ब्लैंक्स बेटर ऑफ द टू, तो देखिए ये मतलब बेटर वर्ब का सेकंड रूप है ना, तो इससे पहले हम लोग मोर नहीं लगा सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकता है ना, अगर यहाँ पर होता शी वाज बेटर की जगह पर गुड होता तो हम लोग लगाते शी वाज मोर गुड ऑफ द टू, बट यहाँ बेटर है इसलिए शी वाज द बेटर ऑफ द टू, तो 132 का बी। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अपलॉड, अपलॉड का मतलब होता है सराहना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रेज। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस विद द वर्ड, इसका द वे ऑफ लिविंग जो है वो हम लोग ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 135, स्टूडेंट नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज द वर्क, इट इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटिंग स्किल। 136 नंबर क्वेश्चन है, इंटरएक्टिव लिसनिंग इज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। 137 क्वेश्चन देखिए, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ कंसील इज, तो कंसील मतलब होता है छुपाना, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड, हाइड मतलब भी छुपाना होता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, विच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लिसनिंग एंड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 139, स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ, तो स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर, और इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंटरेक्टिव, जब तक आप खुद इंटरेक्टिव यानी कि आप खुद वी कैन से के मतलब जिज्ञासु नहीं होंगे तब तक इफेक्टिव लर्निंग का कोई फायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर इटसेल्फ इंटरेक्टिव, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141, व्हिच इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज वर्किंग सो हार्ड, ये पैसिव सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज वर्किंग सो हार्ड। क्वेश्चन नंबर 142, प्लीज स्टॉप फिल इन द ब्लैंक सो मेनी मिस्टेक्स, तो इस तरह का मीन्स हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है V4, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्लीज स्टॉप गोइंग देयर, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 143, ही इज नोन फिल इन द ब्लैंक्स मी, तो नोन टू होता है, याद रखिएगा हमेशा नोन टू होता है, तो ही इज नोन टू मी। ये पैसिव सेंटेंस है, ये भी ही इज नोन टू मी है ना, इसका एक्टिव होगा आई नो हिम, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टू। 144 देखिए, इफ फिल इन द ब्लैंक्स आई नॉट लूज टेम्पर, तो देखिए ये भी उस तरीके का क्वेश्चन हो गया, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था है ना, आई विश आई वेर अ किंग है ना, इफ आई वेर यू आई नॉट लूज टेम्पर, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आई वेर यू इज राइट आंसर। इफ तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोगों ने 9-10 की बुक अच्छे से पढ़ी होगी एससीईआरटी की, तो उसी सबसे ये रूल है ना, इफ आई वेर अ किंग आई रूल द किंगडम, उसी से लिया गया है ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, इट वाज एन ऑडवर्स टास्क फॉर मी, द ऑपोजिट पूछ रहा है इसमें ऑडवर्स का, तो ऑडवर्स होता है टफ, तो इसका सिनोनिम्स होगा या एंटोनिम्स होगा इजी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, इट वाज हिम, दूसरा सन पार्ट है हु केम, तीसरा पार्ट है रनिंग, चौथा पार्ट है इनटू द क्लासरूम, तो इसमें जो एरर है वो पहले ही पार्ट में है, इट वाज हिम ना होके इट वाज ही होगा, ठीक है, इट इज आई हु वेंट देयर, इस तरीके का हम लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज आई हु वेंट देयर, इट इज ही हु हैज डन दिस, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पैथेटिक फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 148, वेनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय, वेनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय टीएस एलियट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149, द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़रा पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द ऑथर ऑफ द हंगरी टाइड इज, तो द हंगरी टाइड लिखा है अमिताभ घोष ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो जितना भी इसमें आंसर था ये 100% एक्यूरेट आंसर है, इसमें कहीं एक भी गलती नहीं है, और हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया है, इस वीडियो को बनाने की कोशिश हम लोगों ने की है, और कभी कोई तरह का दिक्कत अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम लोग आगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर कभी और करेंगे। अभी पहला जो टारगेट था हम लोग का वो था कि आप लोगों को 100% एक्यूरेट आंसर की उपलब्ध करा दिया जाए हिंदी क्लब के द्वारा। तो चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।